हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 4 इन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच। ये हमारे पास चौथी थ्योरम है सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। अभी तक आप 3 थ्योरम्स प्रूफ कर चुके हो सब ग्रुप की। पहली आपने थ्योरम करी थी थ्योरम नंबर 1, जिसमें आपने प्रूफ किया था कि आपके पास एक सेट एच जो है वो सब ग्रुप बनेगा इफ एंड ओनली इफ ए डॉट ए बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एच। दूसरी कंडीशन, ए बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच वेयर ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए इन एच। दूसरी थ्योरम आपने करी है, दूसरी थ्योरम में आपने प्रूव करा है कि नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी अ सब ग्रुप इज दैट ए बिलोंग्स टू एच बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। और तीसरी थ्योरम आपने करी है फाइनाइट सेट्स के लिए, फाइनाइट सबसेट जो है वो सब ग्रुप होगा अगर एच जो है क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आज हम अपनी फोर्थ थ्योरम करेंगे। फोर्थ थ्योरम में आपको प्रूव करना है कि एक सेट एच सब ग्रुप होगा अगर आपके पास एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच होगा। मीन्स आपको दोनों तरफ से प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लेके चलते हैं कंडीशन इज नेसेसरी। नेसेसरी में हमने सपोज कर लिया कि एच जो है सब ग्रुप है जी का, और हमें प्रूफ क्या करना है, एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच प्रूफ करना है। अब एच जो है सब ग्रुप है जी का और एच एच इनवर्स को एच की इक्वल प्रूफ करना है, तो आप लोगों ने करा होगा कि दो सेट इक्वल होते हैं। दो सेट इक्वल कब होते हैं, अगर ए इज़ कंटेन्ड इन बी एंड बी इज़ कंटेन्ड इन ए। ठीक, तो अगर आप यहाँ से ये कंडीशन दिखा दो कि एच एच इनवर्स इज़ कंटेन्ड इन एच एंड एच इज़ कंटेन्ड इन एच एच इनवर्स, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स आपको शो क्या करना है, आपको शो करना है एच एच इनवर्स इज़ कंटेन्ड इन एच एंड एच इज़ कंटेन्ड इन एच एच इनवर्स। ठीक है, और कंटेनमेंट हम कैसे दिखाते हैं, कंटेनमेंट हम दिखाते हैं, हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, सपोज करो ए उठाओगे एच एच इनवर्स से, और अगर वो ए को आप बिलोंग दिखा दो एच में, ए को एच एच इनवर्स से उठाओ और ए को एच में दिखा दो, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि एच एच इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच। ठीक है, तो इस तरह से आपने काम करना है। दूसरी बात, आपके पास एच एच इनवर्स हैं तो इसके एलिमेंट भी इसी टाइप के होंगे, स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि इसमें प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स होगा। किस टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं इसमें, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने ले लिया, लेट ए बी इनवर्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एच एच इनवर्स, यानी कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आया ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इनवर्स, क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब क्योंकि एच सब ग्रुप है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो दोनों की प्रोडक्ट ए बी इनवर्स वो भी कहाँ जाएगी, एच में जाएगी। इस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ए बी इनवर्स आपने उठाया कहाँ से था, एच एच इनवर्स से, और ए बी इनवर्स कहाँ चला गया, एच में चला गया। तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, एच एच इनवर्स इज कंटेन्ड इन एच आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें H को एच एच इनवर्स में लेके जाना है। तो H से एक एलिमेंट उठाओ, हमने उठा लिया H बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, यानी कि H बिलोंग्स टू कैपिटल H। ठीक है, एच जो है कैपिटल एच में है, एच आपके पास सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी तो होगी, तो सपोज करो ई उसकी आइडेंटिटी है तो ई भी आपके पास एच में जाएगी। अगर ई एच में है तो ई का इनवर्स कहाँ जाएगा, एच इनवर्स में। अब क्योंकि एच जो है सब ग्रुप है तो आपके पास अगर इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करो एच ई इनवर्स, तो वो कहाँ जाएगा, एच एच इनवर्स में। और आइडेंटिटी का इनवर्स अगेन आइडेंटिटी होता है, और एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो आपके पास क्या हो गया, एच बिलोंग्स टू एच एच इनवर्स। एच था कहाँ से, कैपिटल एच से, चला गया एच एच इनवर्स में। व्हाट दिस इम्प्लाइज, कैपिटल एच इज कंटेन्ड इन एच एच इनवर्स। तो यहाँ से आपके पास एक कंडीशन आई और यहाँ से दूसरी कंडीशन आई, दोनों कंडीशंस को कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू एच एच इनवर्स। अब उल्टा सपोज, उल्टा प्रूफ करते हैं, कंडीशन इज सफिशिएंट। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए अभी तक हम क्या प्रूफ करते आए हैं, चार प्रॉपर्टीज प्रूफ करते आए हैं। ठीक है, अब हमें चार प्रॉपर्टी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस थ्योरम से पहले 3 थ्योरम्स प्रूफ कर चुके हैं। तो उन तीनों थ्योरम्स में से हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे। कौन सी थ्योरम, जो हमने करी है सेकंड वाली थ्योरम। सेकंड वाली थ्योरम क्या कहती है, कि अगर आपके पास
ए और बी एच के दो एलिमेंट्स हैं, अगर ए बी इनवर्स एच में चला जाए, ठीक है, तो व्हाट दिस इम्प्लाइज, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो अगर अब आपको किसी को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो आप सिर्फ ये वाली कंडीशन प्रूफ करोगे तब भी सफिशियंट है। अभी तक आप चार प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे, अब सिर्फ ये वाली कंडीशन प्रूफ करके आपका काम चल जाएगा। तो अब आपके पास गिवन है एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, आपको एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है। सब ग्रुप प्रूफ करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स आपके पास एच में जाना चाहिए, वहाँ पे आपको कंडीशन लेके जानी है, ठीक है। अब देखो अगर ए बी एच में है, हमारे पास क्या होगा, ए बी इनवर्स एच एच इनवर्स में जाएगा, ठीक है, एलिमेंट्स की फॉर्म के अकॉर्डिंग जिस टाइप का सेट है उसी टाइप के एलिमेंट ए बी इनवर्स एच एच इनवर्स में जाएगा, और एच एच इनवर्स किसके इक्वल है, एच के इक्वल, तो ए बी इनवर्स एच में चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थ्योरम नंबर टू से, एच क्या बन गया, सब ग्रुप ऑफ जी बन गया, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ़ एच एंड ए के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। फिर आपके पास एक सब ग्रुप की डेफिनेशन है, दो सब ग्रुप गिवन है, दोनों की प्रोडक्ट जो सब ग्रुप बनेगी, दो सब ग्रुप्स की प्रोडक्ट सब ग्रुप बनेगी इफ एंड ओनली इफ वो आपस में कम्यूट करें, ठीक है। तो ये भी दोनों तरफ से रिजल्ट प्रूफ करना है। सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है, एच और के दो सब ग्रुप है, ठीक है, दो सब ग्रुप है, आप एक बारी उठा के चलोगे एच के भी एक सब ग्रुप है और ये प्रूफ करोगे, एक बारी ये कंडीशन उठा के चलोगे और एच के को सब ग्रुप दिखाओगे। तो सबसे पहले मैं ये कंडीशन उठा के चलती हूँ, मैंने उठाया कि एच और के दो सब ग्रुप हैं सच दैट एच के इज इक्वल टू के एच। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एच के भी एक सब ग्रुप है, ठीक है। अब इसको एच के को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम ये वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो एच एक सब ग्रुप होता है, अगर एच एक सब ग्रुप है तो क्या कंडीशन होती है, एच एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। यहाँ हमें कितने सब ग्रुप गिवन है, दो गिवन है, एच और के दो सब ग्रुप गिवन है, तो दोनों पे ये कंडीशन लग जाएगी, के इनवर्स भी किसके इक्वल होगा, के बाय द प्रीवियस थ्योरम। अब अगर हमें एच के को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा एच के और एच के का इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, एच के इक्वल आना चाहिए, तो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ तक अब जो कंडीशन गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं, हमें गिवन है एच और के दो सब ग्रुप हैं और ये कंडीशन गिवन है। अब अगर एच सब ग्रुप है तो एच एच इनवर्स किसके इक्वल होगा, एच के, और ये कम्यूट भी कर जाएगा, एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स एच। सिमिलरली के इनवर्स किसके इक्वल होगा, के और कम्यूट करने के बाद के इनवर्स के। अब जो चीज़ हमें दिखानी है, हमें दिखाना है कि एच के और एच के का होल इनवर्स किसके इक्वल आना चाहिए, एच के इक्वल आना चाहिए, तो ये लेफ्ट साइड उठा ली हमने, लेफ्ट साइड उठाई, इनवर्स खोलेंगे, इनवर्स उल्टा खुलता है, के इनवर्स एच इनवर्स, के इनवर्स को इकट्ठा किया, के इनवर्स किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो यहाँ से के वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया एच के एच इनवर्स। अब यहाँ पे फिर से आप क्या कर सकते हो, के एच इज इक्वल टू एच के कंडीशन, क्योंकि हमें ये गिवन है के एच इज इक्वल टू एच के, तो यहाँ पे आप एच के की जगह के एच रख सकते हो, तो के एच रखोगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, के एच एच इनवर्स, अगेन एच एच इनवर्स इज एच और के एच इज अगेन इक्वल्स टू एच के, तो आपके पास ये कंडीशन आ गई, एच के होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एच के, दैट इज एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी बाय द प्रीवियस थ्योरम। अब कन्वर्सली सपोज करो एच और के तो दो सब ग्रुप गिवन है ही, सपोज कर लो उनका प्रोडक्ट भी सब ग्रुप है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एच के इज इक्वल टू के एच। अब फिर से दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करनी पड़ेगी, कंटेनमेंट दोनों साइड से, ठीक है, तो दोनों साइड से कंटेनमेंट प्रूफ करनी है, मीन्स आपको प्रूफ करना है एच के इज कंटेन्ड इन के एच इज कंटेन्ड इन एच के, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अगर इसको इसमें कंटेंट दिखाना है तो यहाँ से एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा, इसमें एलिमेंट किस फॉर्म के मिलेंगे, स्मॉल एच के टाइप के, ठीक है, तो स्मॉल एच के भी यानी एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एच के, यहाँ से हमने ले लिया, और वहाँ जिसमें क्या है हमारे पास, स्मॉल एच जो है कैपिटल एच से है, स्मॉल के जो है कैपिटल के से है। अब एच और के तो दोनों सब ग्रुप हैं, सब ग्रुप है तो उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो अगर इसमें एच है तो इसका इनवर्स एच इनवर्स भी होगा, के है तो इसका इनवर्स के इनवर्स भी होगा। अगर मैं दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करूं तो के इनवर्स एच इनवर्स किस में जाएगा, के और एच में जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको इनवर्स में लिखे हम तो एच के होल इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एच आपके पास चला जाएगा, बट के एच तो क्या है,
सब ग्रुप है अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स उसमें है तो वो एलिमेंट भी उसमें होगा, मीन्स एच के भी इसमें होगा। तो एच के कहाँ चला गया, हमारे पास के एच में चला गया, और उठाया कहाँ से था, एच के से उठाया था। तो यहाँ से क्या हो गया, एच के इज कंटेन्ड इन के एच। अब ये वाली कंडीशन दिखानी है, इसके लिए हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से एलिमेंट किस फॉर्म के आएंगे, के एच टाइप के, ठीक है। तो के एच बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के एच, वेयर स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के, स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। फिर से एच और के दो सब ग्रुप हैं, तो दोनों का इन्वर्स भी उसमें जाएगा, के का इन्वर्स के में जाएगा, एच का इन्वर्स एच में जाएगा। दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एच इन्वर्स और के इन्वर्स कहाँ जाएंगे, एच के में चला जाएगा। इन्वर्स की डेफिनेशन लगा दो, ये क्या हो जाएगा, एच के एच इन्वर्स के इन्वर्स के एच होल इन्वर्स बन जाएगा, बिलोंग्स टू एच के। अब एच के तो सब ग्रुप है तो अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स उसमें है तो वो एलिमेंट भी उसमें होगा, यानी कि के एच भी उसमें होगा। तो के एच किसका एलिमेंट था, कैपिटल के एच का, चला गया एच के में, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो दोनों तरफ से कंटेनमेंट आ गई, दोनों का यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, एच के इज इक्वल टू के एच आपके पास।